नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और अपने चैनल के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करते हुए आपको समस्त महत्वपूर्ण वीडियोस प्रोवाइड कराते हुए हमें खुशी हो रही है। और आपकी जो प्रतिक्रियाएं, कमेंट्स, लाइक्स हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जुड़े रहें मेरे साथ। और इसी क्रम में आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है व्यय एवं बचत। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेंडिंग एंड सेविंग। इसको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, क्योंकि हमने सुना तो होता है कि व्यय क्या है, बचत क्या है, कि भैया इतने रुपए खर्च कर दिए, इतनी हमने बचत कर ली। लेकिन जब इसके बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, सुनिए, समझिए और अपने माइंड में कैच करके उसको रख लीजिए और वैसा ही पेपर में बिल्कुल आप उतार दीजिए। तो पेपर में अच्छे मार्क लाने के लिए बोर्ड परीक्षा में ये चैप्टर दोस्तों ज़रूर आता है, बच नहीं सकता। क्योंकि आपको पता है 30% सिलेबस को ऑलरेडी कट कर दिया है ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक। तो समझ लीजिएगा कि उस कारण से जो आपका सिलेबस बचा है वो बिल्कुल लिमिटेड सिलेबस है। 30% कट कर दिया है तो 70% बचा, और 70% में भी आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जरूर जाएगा। अब आप कितना इसे तैयार कर पाते हैं ये आप समझ लीजिएगा, ओके। और इससे पहले ये मोस्टली मैंने 10th के लिए ही बनाया है, बाकी 12th में भी, इंटर में भी ये आता है और कुछ उच्च क्लासेस में भी इसका पूरा वर्णन है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो मैं ये समझा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझने का आप प्रयास कीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान से समझ लीजिएगा और इस वीडियो को तब देखिएगा जब आपके पास में समझने का पूरा टाइम हो। जल्दबाजी में वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई वीडियो अगर हम देखते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों कर लीजिएगा, आपका आगे का जितना भी कोर्स है सब मिलेगा विद नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं अपने कोर्स की ओर, ओके। बात करते हैं दोस्तों व्यय। व्यय किसे कहते हैं? तो देखिए, व्यय का जो सीधा संबंध है वो आवश्यकताओं की पूर्ति से है। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना धन खर्च करता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा इसको अलग तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब हम अलग तरह से लिखेंगे तभी तो हमारी कॉपी अच्छी बनेगी अदर अन्य लोगों से और मार्किंग हमें अच्छी मिलेगी। देखिए, इसको इस तरह से लिखना है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं। सुबह से लेकर के शाम तक वो कई तरह की अपनी इच्छाएं जागृत करता है और उनको समेट करके रख भी लेता है। उसकी जितनी भी अनंत इच्छाएँ हैं, उन इच्छाओं में से जो महत्वपूर्ण इच्छाएं होती हैं वो आवश्यकताओं पर आधारित होती हैं। यानी जो इच्छाएं हैं वो आवश्यकताएं बन जाती हैं, और आवश्यकताओं के आधार पर वो जितनी अर्निंग कर रहा है, जितनी आय कमा रहा है, उस आय के हिस्से को अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए जो व्यय करता है, खर्च करता है, भुगतान के रूप में देता है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। हम जब तक आय नहीं करेंगे व्यय कहाँ से कर देंगे? तो सबसे पहले हमको आय के बारे में समझना होगा। अब आय का अर्थ कैसे लिखोगे? मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई कार्य जरूर करता है और करना भी चाहिए। तो मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए जितने भी कार्य करता है उसके द्वारा किए गए कार्यों से जितना धन मिलता है वह उसकी दोस्तों क्या कहलाती है? आय कहलाती है। याद हो गया होगा, बहुत ही सरल लैंग्वेज में इसी तरह से समझना है कि मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है और उन कार्यों से उसे जितना भी धन मिलता है वो उसकी क्या कहलाती है? आय कहलाती है। धन में सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं है दोस्तों, सेवाएं भी हो सकती हैं, कोई वस्तुएं भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यानी हम आपको सेवा दे रहे हैं तो हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? आय कहलाती है। अब इस आय का प्रयोग दोस्तों, आय का प्रयोग हम कब करेंगे? हम चुनाव करेंगे कि हमारी पहली ज़रूरत कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने में उसको लगाएंगे, खर्च करेंगे और भुगतान करेंगे, वही समझ लीजिए हमारा क्या कहलाता है? व्यय कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि खर्च कैसे कहते हैं। वैसे तो मनुष्य की तमाम आवश्यकताएं, इच्छाएं चलती ही रहती हैं, लेकिन उसकी भी आवश्यकताओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों। एक तो जरूरी आवश्यकताएं और दूसरी
होती हैं विलासिता की आवश्यकता। ये विलासिता क्या चीज़ होती है और ज़रूरी क्या होती है, मौका मिलेगा मैं ज़रूर अभी बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपके समय का भी मुझे ध्यान रखना होता है कि पता चले वीडियो बहुत लंबा हो गया तो भी आप लोगों को समय हो सकता है देखने का कम मिल पाए, तो इसलिए पहले अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर है विलासिता के बारे में हल्का सा बता दूँगा, आप समझ जाओगे कि जीवन जीने के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं हैं, जिनके बिना हम जीवन जी सकते हैं लेकिन फिर भी उनका हम प्रयोग करते हैं, वो विलासिता की वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हमें कहीं जाना हो साइकिल से जा सकते हैं, लेकिन हम तो कार से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो ये विलासिता की वस्तु हो गई। गर्मी बहुत है, हाथ वाले फैन से काम चला सकते हैं, पंखा से काम चला सकते हैं, लेकिन पता चला हम एसी लगा रहे हैं, तो ये ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, विलासिता की कहलाती हैं। तो चलेंगे यहाँ पर, हम बात करते हैं बे के बाद बे की परिभाषा। दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं मैंने इनकी परिभाषाएं एक एक ज़रूर दी हैं, और आपको भी लिखना ज़रूर है, 10-10 परिभाषाओं को आपको नहीं रटना है, क्योंकि अर्थ लिखोगे आधे पन्ने से ज़्यादा तो अर्थ आ जाता है, 1-2 लाइन की परिभाषा लिख दोगे तो आपकी जो मार्किंग है वो अच्छी है। और मेरा सीधा सा एक ही मकसद है कि आपको इस तरह से पढ़ाना कि आपकी जो परसेंटेज है वो बढ़ करके आए, अच्छी आए। तो हम देखते हैं कि हमने एक यहां पर परिभाषा लिखी है, मैं वो परिभाषा चुनता हूं जो सरल हो और छोटी हो, वो आपको याद भी आसानी से हो जाए। दोस्तों प्रोफेसर जो बसु महोदय हैं, इन्होंने एक परिभाषा दी है और वो है कि आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष नहीं, आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए आय का उपयोग करना व्यय कहलाता है। बिल्कुल याद हो गया होगा, क्या है कि आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए आय का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। अब दोस्तों व्यय को समझने से पहले हमने आय को समझा, आय हमें पता चल गई कि हम जितने भी अपने जीवन में काम कर रहे हैं जीवन यापन करने के लिए, गुजारा करने के लिए, चाहे खेती कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, वस्तुओं क्रय विक्रय कर रहे हों, किसी के यहाँ पर कोई सेवा दे रहे हों, पढ़ा रहे हों, ठीक है, तो वहाँ से हमें जितना पैसा मिल रहा है उनको आवश्यकताओं हेतु क्या करना, उपभोग करना, उपयोग करना, हमारा क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। ये प्रोफेसर बसु ने बात कही थी। उम्मीद है कि परिभाषा आपको बहुत छोटी सी और अच्छी लग रही होगी, मुझे अच्छी लगी, मैंने यहाँ पर लिख दी, क्योंकि बुक्स में तो कम से कम 3-4-4-5-5 दी हुई हैं और मेरे पास तो कम से कम 10-15 प्रकार की बुक्स हैं, तो उनमें हम कहाँ तक छांटते रहेंगे, तो वो चीज़ उठाई जाती है जो एकदम सरल हो। और आपको तो ज़्यादा बुक्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस जुड़े रहिए मेरे साथ। ओके, अगला है, अब व्यय की परिभाषा विशेषताएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों व्यय के बारे में सिर्फ 3 बातें पूछ सकता है, क्या क्या, व्यय की विशेषताएं क्या हैं, व्यय के प्रकार क्या हैं और व्यय के सिद्धांत क्या हैं, और बहुत पूछ लिया तो अपव्यय किसे कहते हैं। इन सारी बातों को अभी हम बिल्कुल बहुत ही सरल बात में सीखते हैं, सरल भाषा में सीखते हैं। व्यय की विशेषताएं, आवश्यकता की पूर्ति, पहली विशेषता है व्यय की कि व्यय करने से हमारी आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ति होती है। भूख लग रही है, हमें आवश्यकता है भोजन की, तो भोजन प्राप्त करने के लिए हमने जितनी भी इनकम की है उससे धन को खर्च करेंगे और हम अपनी आवश्यकता की क्या कर लेंगे, पूर्ति कर लेंगे। पहला समझ में आ गया होगा, आय का भाग। दूसरी विशेषता है कि व्यय हमेशा जो होता है वो आय का भाग होता है। आय अगर नहीं है तो हम व्यय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी व्यय करने के लिए पहले क्या बनानी चाहिए, आय बनानी चाहिए। ठीक, तो दूसरा भी समझ में आ गया होगा कि आय का क्या होता है, भाग होता है व्यय। अगला है संतुष्टि का प्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन का मतलब ये होता है कि सीधे सीधे हमें दिखाई दे कि हाँ हमें संतुष्टि हो गई। जैसे हमने अभी बात कही थी कि भूख लगती है तो हमें भोजन चाहिए, भोजन के लिए हमें क्या, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और जैसे ही हम पैसे खर्च करके भोजन ग्रहण करते हैं हमें तुरंत संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हमारी जो भूख है वो मिट जाती है। तो इस तरह से संतुष्टि का क्या है, ये प्रत्यक्ष साधन है, क्या, व्यय। अगला है सरलता का गुण। देखिए ये दोस्तों बहुत ही अच्छी एंडिंग है, सरलता का गुण, यानी व्यय करना बहुत सरल है। आप किसी व्यक्ति को 1,000, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 रुपए दे दीजिएगा, वो आराम से उसका खर्च कराएगा, ठीक है। तो व्यय करना कैसा होता है, सरल होता है। अब वो सही जगह पे खर्च करेगा या नहीं करेगा वो तो सेकेंडरी बात हो गई, लेकिन व्यय करना बहुत ही सरल है। सरलता से कोई व्यक्ति अपने धन को व्यय कर सकता है। ओके, बचत भले ही ना कर पाए लेकिन व्यय तो 100% कर ही देगा। ओके, अगला है विवेक का प्रयोग। देखिए व्यय में किसका, विवेक का भी प्रयोग होता है। विवेक कहते हैं बुद्धि के लिए, सोच समझ के लिए।
सोच विचार के लिए। यानी व्यय का ये भी एक विशेषता है कि हमेशा जो व्यय किया जाता है वो विवेक के प्रयोग के साथ में किया जाता है। जैसे आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, दुकान वाला कितना भी कोई चीखता रहे कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, ये आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगी, ये बहुत मूल्यवान है या ये बहुत टिकाऊ है, लेकिन आप जब तक अपनी सहमति स्वयं नहीं जागृत कर लेते हैं, आपका दिल स्वयं गवाही नहीं करता है, तब तक आप उस वस्तु को परचेज नहीं करते हैं। तो दोस्तों यही कहलाता है विवेक का प्रयोग। अगला है व्यय करने के तरीके, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पर बहुत प्रकार हैं व्यय करने के, लोग तरह तरह से व्यय करते हैं। कोई व्यक्ति जो होता है सोच समझ के व्यय करता है, कोई व्यक्ति ज़रूरतों की चीज़ों पे व्यय करता है, कोई व्यक्ति है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए व्यय करता है, बहुत से व्यक्ति होते हैं फैशन के लिए व्यय करते हैं, बहुत से लोग होते हैं केवल पैसा उतना ही खर्च करते हैं जितनी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो। तो ये विभिन्न प्रकार के तरीके हैं खर्च करने के। अगला है व्यय करने की मात्रा, ये भी एक विशेषता है कि व्यय करने की मात्रा कितनी होनी चाहिए। हमारी जितनी भी इनकम हो रही है उस इनकम का एक छोटा सा पार्ट बचत के रूप में रखना चाहिए और शेष भाग को ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि जो बचत है वो भविष्य में काम आती है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों कि सारा का सारा बचत में लगा देना चाहिए, उससे हमारा जीवन स्तर है वो बढ़िया नहीं रह पाए। ठीक है, हम जो करना चाह रहे हैं वो जीवन में ना कर पाएँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे पाएँ, ऐसी बचत से क्या फ़ायदा है। क्योंकि कहावत सुनी होगी दोस्तों कि अगर हमारे पूर्वज लोग बचती करते रहेंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई पर कहां से गुणवत्ता लाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज के समय में शिक्षा बहुत महंगी चीज़ हो गई है। वो चीज़ अलग है, यूट्यूब पे हम आपकी मदद के लिए ये चीज़ दे रहे हैं, लेकिन पता चला कि ऑफलाइन क्लासेस में यही सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपके सहयोग करने के लिए, और आप कितनी दूर से देख रहे हो आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई वॉन्ट टू से दैट यू आर अ इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर मी टू सी द वीडियो। अगर इस वीडियो मैंने बनाया है तो आप देखेंगे कि हाँ कोई टीचर कहीं बाहर का भी एक पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, तो ये हमारी गुडविल बनेगी, फेम बनेगी। तो इनके लिए भी ये चीज़ें कृत किए जाते हैं, लेकिन सीधा सा मकसद ये होता है कि बचत उतनी करनी चाहिए जितने में हमारे समस्त क्रियाकलाप सही से चलते रहें। यानी बचत ज़्यादा कर दी तो समझ लो कि हमारा जीवन स्तर है, शिक्षा है, वो ज़्यादा डगमगाने ना पाएँ। तो अगला है आय पर प्रभाव। व्यय का सीधा सीधा प्रभाव दोस्तों आय पर पड़ता है। ठीक है, देखिए व्यय करने से क्या होती है, आप आय घटती नहीं है, व्यय करने से आय की मात्रा का प्रयोग हो जाता है। और जब हम व्यय करेंगे तो इनकम कमाने के साधनों के बारे में भी सोचेंगे कि हम कहां कहां से अपना धन कमा करके लाएं और जहां पर खर्च करें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। फिर व्यक्ति के लिए मनी को अर्न करना ही पड़ता है, धन को अर्न करना ही पड़ता है। अगला है जीवन स्तर में परिवर्तन। जो भी इकोनॉमिक्स में एक चीज़ समझाई गई है कि हमारे जीवन स्तर को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए, स्तर को उठाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यय करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ओके, अब व्यय करना जब ज़रूरी होगा तो आय कमाना भी दोस्तों स्वतः ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि व्यय किसका भाग है, आय का भाग है। तो यहाँ पर जीवन स्तर में जो लिविंग स्टैंडर्ड है हमारा, लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, अच्छा करने के लिए इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। अगला है कार्य करने की रुचि। देखिए जो व्यक्ति एक्सपेंसेस करते हैं तो उनमें क्या होता है कि स्वतः ही मनी अर्निंग की भावना खुद पैदा हो जाती है। अगर वो अर्न नहीं करेंगे तो फिर व्यय कहाँ से करेंगे। तो इतनी देर से हमने जो बातें बताई थी वो आपके लिए सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स थी ऑफ एक्सपेंसेस और स्पेंडिंग। तो यहाँ पर आपने अभी जो समझा वो विशेषताओं के रूप में था, आप एक बार और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी हेडिंग्स आप तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, आप देख लीजिएगा अपनी बुक उठा करके। पहला है आवश्यकता की पूर्ति, दूसरा है आय का भाग होना, संतुलित संतुष्टि का प्रत्यक्ष साधन, सरलता का गुण, विवेक का प्रयोग, व्यय करने के तरीके, व्यय करने की मात्रा, आय पर प्रभाव, जीवन स्तर में परिवर्तन, कार्य करने की रुचि। ये सारी के सारे क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं किसकी, व्यय की। व्यय खर्च, एक्सपेंसेस, सब स्पेंडिंग, सारी एक ही बातें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस, व्यय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तरीके कौन कौन से होते हैं। तो व्यय के जो प्रकार की हम बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, पहला है हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस और दूसरा है सोशल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस को हम निजी व्यय कहते हैं, सोशल एक्सपेंसेस को हम सामाजिक व्यय कहते हैं। सामाजिक व्यय का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इनकम को समाज पर खर्च करता है,
समाज का मतलब है कि हम जिस एरिया में रह रहे होते हैं, पास पड़ोस का जो पूरा वातावरण है, जो रहने वाले लोग हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? समाज कहलाते हैं। ठीक है, कई परिवारों को मिलकर के क्या बनता है? समाज बनता है। निजी व्यय का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं या पर्सनल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम अपने ऊपर खर्च करते हैं। ठीक है, कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने, किस वाहन से चलना है, कैसा खाना खाना है, कैसा मकान बनाना है, कैसी शिक्षा देनी है बच्चों के लिए, कैसी हमें बचत करनी है। बचत में भी खर्च होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बचत में खर्च ना होता हो। देखिए, एक ये प्रकार यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, निजी व्यय में बचत करने हैं तो भी हम क्या करते हैं? व्यय करते हैं। ओके, तो ये सारे ये प्रकार हैं। तो निजी और सामाजिक, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है कि निजी व्यय किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने द्वारा कमाया हुआ धन या परिवार का धन व्यय करता है, तो समझ लो उसे हम निजी व्यय कहते हैं। निजी का मतलब प्राइवेट, पर्सनली, ठीक है, व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले है व्यक्तिगत खर्च। निजी व्यय में पहली हेडिंग है व्यक्तिगत खर्च। व्यक्तिगत खर्च का मतलब है कि अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, जितना भी व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए जो खर्च करता है, वो हमारा कौन सा खर्च कहलाता है? व्यक्तिगत खर्च कहलाता है। दूसरा है बचत करने हेतु। देखिए, बचत जो होती है वो आने वाले समय में हमारे लिए या संकट के समय में बहुत मदद करती है। ठीक है, अगर भविष्य की कोई भी आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है तो हम कहाँ से? बचत से ही कर लेते हैं। ठीक है, अचानक कोई खर्च आ जाए, अचानक कहीं पर हमें कोई सेवा देनी पड़ जाए, तो समझ लीजिएगा कि वो किसके काम में आता है? बचत करने वाला जो पैसा है, बचत का जो पैसा है, वो वहाँ पर काम में आता है। ठीक है, तो बचत का मतलब यहाँ पर ऐसे करके समझेंगे कि हमने जो बैंक में जमा कर दिया है, डाकखाने में जमा कर दिया है, किसी व्यक्ति को हमने ब्याज पे रख दिया है, कहीं पर पैसा किसी वस्तु को खरीद करके हमने रख दिया है और सोचा महंगी हो जाएगी तब बेच देंगे, ये सारे तरीके हैं किसके? बचत करने के। अब ये अपसंचय किसे कहते हैं? ये दोस्तों अब वर्तमान समय में तो इसका प्रचलन कम हो गया है। प्राचीन समय में लोग क्या करते थे कि अपने धन का कुछ हिस्सा गाड़ करके जमीन में रख देते थे। ठीक है, जिससे संकट के समय में उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके, तो इसको हम क्या कहते थे? अपसंचय। ठीक है, तो निजी व्यय तीन प्रकार से हो सकते हैं, तीन प्रकार यहाँ पर इकोनॉमिक्स में बताए गए हैं। ठीक है, पहला है हमारा व्यक्तिगत खर्च, दूसरा है बचत करने के हेतु, और तीसरा है हमारा अपसंचय। तो कॉमर्स में ये निजी व्यय और सामाजिक व्यय को समझना बहुत ज़रूरी था। निजी व्यय को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, तीन भाग थे इसके, व्यक्तिगत खर्च, बचत करने हेतु और अपसंचय। अब हम बात करते हैं सामाजिक व्यय। सामाजिक व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऐच्छिक व्यय, दूसरा होता है अनिवार्य व्यय। ऐच्छिक व्यय हमारी इच्छा है कि हम खर्च करते हैं या नहीं करते हैं, वो व्यय कहलाता है ऐच्छिक व्यय। हमारी इच्छा है मंदिर में दान देंगे, मस्जिद में देंगे, गुरुद्वारे में देंगे, ठीक है, चर्च में देंगे, ठीक है, किसी क्लब में देंगे, किसी स्कूल को दान देंगे, यानी हम अपनी इच्छा अनुसार जितना भी समाज के लिए खर्च कर देते हैं वो हमारा ऐच्छिक व्यय कहलाता है। अनिवार्य व्यय किसे कहते हैं? अनिवार्य व्यय वे व्यय होते हैं जो ज़बरदस्ती आपसे लिए जाते हैं। किसके रूप में? टैक्स के रूप में। ठीक है, टैक्स के रूप में, जैसे आयकर है, आप रोड पे चलते हैं, रोड टैक्स है, वाटर टैक्स है, ठीक है, तो इस तरह के जो म्युनिसिपल टैक्स है, नगर पालिका कर जिसे हम कहते हैं, तो वे टैक्स जो अनिवार्य रूप से आपसे ले लिए जाते हैं उनको हम कहते हैं अनिवार्य व्यय। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है व्यय के लिए आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि खर्च किसे कहते हैं। मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो भी धन अपनी आय में से कमाया गया है उस धन को खर्च करता है उसको हम कहते हैं क्या? व्यय। दो प्रकार के थे, एक निजी व्यय और दूसरा हमारा कौन सा? सामाजिक व्यय। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि व्यय की विशेषताएँ क्या हैं, व्यय के प्रकार क्या हैं, अब हम चलते हैं व्यय के सिद्धांत, क्योंकि खर्च करने के कोई ना कोई सिद्धांत जरूर होते हैं, तरीके जरूर होते हैं, तो उनके आधार पर ही हमें खर्च करना चाहिए। पहली बात है कि व्यय हमेशा आय की मात्रा पर निर्भर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सिद्धांत हमारा सही है, आय की मात्रा पर निर्भर करता है कि हम खर्च कितने करेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, जो महीने में 5-7-10 हज़ार रुपये कमाते हैं वो भी अपना परिवार चलाते हैं, जो 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ कमाते हैं वो भी अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब मतलब जीवन स्तर उठ करके चलाते हैं, और जो व्यक्ति लाखों रुपए से ज़्यादा पर मंथ कमाते हैं वो भी अपना परिवार चलाते हैं। तो यहाँ पर जो व्यय की मात्रा निर्भर करती है वो किस पर करती है? आय पर करती है। दूसरा है आवश्यकताओं का ज्ञान।
देखिए, व्यय करने के सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है कि हमें आवश्यकताओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं होगा, ज़रूरतों का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर वो व्यय नहीं करेगा, फिर वो अपव्यय करेगा। अपव्यय क्या है? जो सिद्धांतों का प्रयोग ना करके खर्च किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। अपव्यय की बहुत अच्छी परिभाषा है ये कि व्यय के सिद्धांतों का प्रयोग ना करके जो व्यय किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। अभी इस पर आएंगे, पहले यहाँ चलते हैं। तो आवश्यकताओं का ज्ञान, ठीक है, आय की मात्रा पर निर्भर है, आवश्यकताओं की ज्ञान होना चाहिए। तीव्र आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, इनका पता होना व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था? रोटी, कपड़ा और मकान। अब दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा को भी जोड़ लीजिए मेरी तरफ से, क्योंकि शिक्षा आज के समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। यदि आपको भविष्य में अच्छा जीवन जीना है, तो समझ लो कि रोटी की तरह ही आपको शिक्षा की ज़रूरत है, कपड़ा की तरह ही शिक्षा की ज़रूरत है, मकान की तरह ही आपको शिक्षा की ज़रूरत। और दोस्तों, अगर शिक्षा ग्रहण कर ली तो ये तीनों चीज़ें खुद ही चली आएंगी अपने पास में। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों भागेंगे पीछे पीछे। अगर शिक्षा आपके पास में अच्छी है तो मेरी बात को आप अन्यथा ना लेना, और आज से ही शिक्षा में इस तरह से जुड़ जाइएगा कि नहीं, हमें जीवन में कुछ ना कुछ करना जरूर है। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं व्यय, हम जीवन में खूब व्यय करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपनी आय को बनानी होगा, और आय के लिए शिक्षा होना बहुत जरूरी है। जिस चैनल पर आप पढ़ रहे हो, इस चैनल पर आपको पूरे कॉमर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप कॉमर्स के बारे में पढ़िएगा, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, और कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं ये भी वीडियो एक बना हुआ है, वो देखिए, और आप बिल्कुल 100% जीवन में असफल नहीं हो सकते। अगर जिसने कॉमर्स को सही से पढ़ा, उसको जीवन में कहीं पर भी कठिनाई नहीं आ सकती है, ओके, जीवन यापन करने में, ये मेरा वादा है। और अगर कभी आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी दिन कमेंट कर देना जिस दिन आपको दिक्कत आए, बस अर्थ कॉमर्स को सही से समझिएगा। अगला है चुनाव करने की योग्यता। देखिए, चुनाव करने की योग्यता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वस्तुएं तमाम हैं, हम उनमें से कौन सी चुनें, ये भी व्यय के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हम सब्जी मार्केट में जाते हैं, तरह तरह के व्यापारी होते हैं, अपना सब्जी का व्यापार कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, मार्केट में जाते हैं, तमाम वस्तुएं बिक रही होती हैं, लेकिन उन वस्तुओं में से हम कौन सी चुनें, हमारे योग्य कौन सी वस्तु है, तो इसका भी चुनाव करने की योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगला है मोल भाव करने का गुण। देखिए, कॉमर्स बिल्कुल कहती है कि किसी भी वस्तु को परचेज करना है तो आँख बंद करके परचेज मत कीजिए। आँख बंद करके परचेज वो व्यक्ति करे जिसने कॉमर्स को नहीं पढ़ा है। कॉमर्स पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो कभी दूसरे पर भरोसा नहीं करता है, वो अपने खुद विवेक के आधार पर चयन करता है, चुनाव करता है, मोल भाव करता है, ट्राई करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम परचेज करना चाह रहे हैं हमारी आय का भाग जा रही हैं, और अपनी कीमती आय को हम ऐसे कैसे जाने देंगे। हम जितनी खर्च कर रहे हैं उतनी वस्तु तो उसके बराबर लेकर के रहेंगे, तो इसके लिए मोलभाव, चुनाव, तीव्र आवश्यकताएं, आवश्यकताओं का ज्ञान, और ये सब चीज़ों सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। अगला है सही समय पर क्रय, यानी कौन सी वस्तु किस समय क्रय करनी चाहिए, किस समय नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का भी हमें पूरा पता लगाना होगा, जानकारी रखनी होगी। पता चले कि लहसुन की कीमत 200 रुपये किलो के पार चली गई, दाल की कीमत 150-200 रुपये किलो के पार चली गई, तब हम सोच रहे हैं कि भविष्य में महंगी ना हो जाए तो भैया 50 किलो खरीद के रख लो, तो समझ लो विवेक का प्रयोग नहीं है, ठीक है। अगर उसके सामान्य रेट चल रहे हैं, जैसे 100 रुपये के आसपास हैं, 70-80 रुपये के आसपास हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ भाई 2-4-6 किलो 10-20 किलो लेकर के रख लो, भविष्य में इसके रेट बढ़ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे और आपके बीच में लगातार क्रय विक्रय उनका हो रहा है, धीरे धीरे पता चलता रहता है कि कौन सी वस्तु अधिकतम कितने मूल्य तक हो सकती है और नीचे कितने मूल्य तक हो सकती है। उत्तम वस्तुओं का स्थान, ये भी आपको समझना है कि वस्तुएं हमेशा अच्छी मात्रा में क्रय करनी चाहिए, सॉरी अच्छे प्रकार की क्रय करनी चाहिए, और उत्तम वस्तुएं कहाँ मिलती हैं, ऐसे मार्केट हर शहर में हर जगह पे सबको पता होते हैं कि भाई उस दुकान पर जाएंगे या उस मार्केट में जाएंगे तो वस्तुएं कैसी मिलेंगी, अच्छी ही मिलेंगी, उत्तम मिलेंगी, हो सकता है थोड़ी सी महंगी हो लेकिन वो अच्छी होंगी। अगला है वस्तुओं का मूल्य स्तर।
इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा जाता है व्यय के सिद्धांत में कि इनका मूल्य स्तर क्या है। पता चले कोई वस्तु का जो स्तर है वो है 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये और मार्केट में चल रहा है वो कह रहा नहीं 90 रुपये, 100 रुपये, हम क्यों खरीदेंगे उसके यहाँ से, हम थोड़ा बहुत इधर उधर हट बच लेंगे, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर जाना होगा तो वहाँ से खरीद के लाएंगे, 1 किलोमीटर को जाने आने में 5 रुपये अगर खर्च हो रहे हैं हमारे अपने वाहन से जाते हैं या किराए से जाते हैं 10-20 रुपये भी खर्च हो रहे हैं और वस्तु में हमारे बच रहे हैं 50 रुपये, तो फिर हम वो 50 रुपये बचाने का क्यों प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सिद्धांत थे किसके, व्यय के। अब हम बात करते हैं अपव्यय, ठीक है दोस्तों। बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए, तो वो कहावत आपने सुनी होगी कि जो व्यक्ति बिना विचारे या सोच विचार करके काम करता है वो आगे आने वाले समय में जरूर पछताता है, तो इसी को हम अपव्यय कहते हैं। अपव्यय का मतलब है कि किसी धन को हमें कब खर्च करना चाहिए, कितनी मात्रा में खर्च करना चाहिए, किस चीज पे खर्च करना चाहिए। अगर ये हमने बातों को सही से नहीं समझा तो समझ लो हम क्या कर रहे हैं, अपव्यय कर रहे हैं, ठीक है। आपने अगर अभी तक अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, पता चला कि और ऐसी बैठे रहे, तभी क्या हुआ कि पता चला कि 10 दिन एग्जाम के बचे हैं, अब पूरी बुद्धि खराब कि अब हम क्या करें। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है कि वो फिर उन्हीं चीज़ों में पढ़ता है कि भैया कोई ऐसा मसाला मिल जाता जिसको हम एकदम पढ़ करके और बिल्कुल विद्वान बन जाते, तो समझ लो कि वो जो पढ़ रहा है वो अपव्यय कर रहा है अपने ज्ञान का, क्योंकि उसको जहाँ पर ज्ञान लगाना चाहिए वहाँ तो उसने लगाया नहीं। तो इन सब चीज़ों को सोच समझ करके चलना चाहिए। अपव्यय का मतलब यही है कि जहाँ पर खर्च करना चाहिए वहाँ ना करके फालतू चीज़ों पर खर्च करना हमारा क्या कहलाता है, अपव्यय कहलाता है। ओके दोस्तों, पूरे चैप्टर को मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाया और अभी हमारा पार्ट 1 पूरा हुआ है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ किसको पढ़ा है, व्यय को पढ़ा है। अगला पार्ट हमारा इसी का पार्ट 2, हम बचत, जिस तरह से हमने व्यय के बारे में पढ़ा उसी तरह से हम बचत के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए मेरे साथ और लगे रहिएगा, और बिल्कुल हमें पूरा कोर्स रट लेना है, समझ लेना है और बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना है। और जब भी पेपर में आएगा दोस्तों, एक भी अक्षर बिना पढ़ा नहीं आएगा, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ आएगा। आप लगे रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।